आईपीएल 2023 में होम और अवे फॉर्मेट की वापसी हुई तो सभी फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। हर टीम अपने अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए 4 साल के बाद वापस लौटी। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को भी अपनी टीम की वापसी का लंबे समय से इंतजार था। खास तौर से महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए चेन्नई के फैंस काफ़ी बेताब थे। सीजन शुरू होने से पहले जब चेन्नई की टीम चेपक स्टेडियम में अभ्यास कर रही थी तो उस अभ्यास को देखने के लिए पूरा स्टेडियम फुल हो गया था। काफ़ी मात्रा में लोग खाली वो अभ्यास देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे थे। लेकिन अब जब सीजन शुरू हो गया है, लगातार मैच खेले जा रहे हैं, इसके बावजूद चेपक स्टेडियम में लगातार सीटें खाली देखने को मिल रही हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में करीब 31,000 लोग स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे, जबकि चेपक की जो कुल क्षमता है वो 50,000 दर्शकों की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चेन्नई के फैंस जो मैच देखने के लिए इतने जज्बाती हैं, जो टिकट लेने के लिए रात रात भर लाइन लगाने को तैयार हैं, उसके बावजूद मैदान में संख्या क्यों इतनी कम आ रही है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो टिकट बेचे जा रहे हैं उनमें 20% जो टिकट हैं वो पहले से ही BCCI और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा करीब करीब 13,000 से 14,000 टिकट क्लब क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स को बांट दिए जा रहे हैं। फैंस के लिए कुल उपलब्ध टिकट का करीब 40% टिकट ही बेचा जा रहा है। तो इसका मोटा मोटी अगर हिसाब लगाया जाए तो फैंस के लिए 15,000 से 18,000 टिकट उपलब्ध होती है जो ऑनलाइन बेची जाती है। और ऑनलाइन टिकट इतना तेज़ बिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट में वो जिसको मिलना होता है मिल जाता है। ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी बार बहुत सारे फैंस को टिकट नहीं मिलता तो उनको मायूसी होती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटों की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। जिन लोगों ने लाइन लगा के टिकट किसी तरह हासिल कर लिया वो 750 रुपये वाली टिकट को 5,000 से 5,500 रुपये में बेच रहे हैं। कुछ लोग पुराने सीजन्स के टिकट दिखाकर भी धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी कई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चेन्नई के फैंस इस बात से काफ़ी गुस्सा हैं, वो लगातार अथॉरिटी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों केवल 4 स्टैंड के ही टिकट बेचे जा रहे हैं। फैंस के लिए आपको बता दें केवल 4 स्टैंड के टिकट उपलब्ध हैं। मोस्टली टिकट कॉरपोरेट बॉक्स के हैं जो सेलिब्रिटीज को और नेताओं को दिए जा रहे हैं। फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि अधिक स्टैंड के टिकट बेचे जाएं, लेकिन अब तक जो चेन्नई ने 2 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेले हैं उनमें फैंस को निराशा मिली है और केवल 4 स्टैंड ही उनके लिए खोले गए थे।